90 के दशक के खतरनाक विलेन के तौर पर पहचान बनाने वाले एक्टर महेश आनंद का निधन हो गया है। महेश ने शहंशाह, मजबूर, थानेदार, विश्वात्मा, खुद्दार, विजेता और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो पिछले 18 साल से बेरोजगार थे। महेश आनंद को आखिरी बार इसी साल रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। निर्देशक पहलाज नीलानी ने उन्हें अपनी इस फिल्म में 6 मिनट का रोल दिया था। महेश आनंद की आकस्मिक मौत के बाद इस फिल्म में उनके साथ एक्टिंग करने वाले बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन शक्ति कपूर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शक्ति ने बताया कि महेश काम न मिलने के कारण काफी समय से डिप्रेशन में थे और उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। वो नशे में लोगों को फोन लगा देते थे। प्रहलाद जी ने उन्हें फिल्म के क्लाइमेक्स से कुछ मिनटों पहले एक रोल दिया था जो उन्होंने अच्छे से निभाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रहलाद जी ने उन्हें शराब पीने से मना भी किया था, लेकिन महेश ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। मैं भी महेश को शराब पीने के लिए मना करता था और मैंने उन्हें शराब छोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन वे नहीं माने और शराब की लत के कारण अपनी जिंदगी खो बैठे। महेश आनंद 9 फरवरी को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाए गए, जिसके बारे में तब जानकारी मिली जब उनकी बहन और पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची। बताया जा रहा है कि महेश ने 2 दिनों तक घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस महेश के घर के अंदर गई, तब शराब से भरा एक ग्लास लाश के पास मिला। महेश आनंद एक ट्रेंड डांसर थे जो बॉलीवुड में परफॉर्म किया करते थे। बॉलीवुड में आने से पहले वो भारत के टॉप मॉडल में शुमार थे। महेश ने पहली शादी प्रोड्यूसर बरखा रॉय से की थी। इसके बाद 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का एक बेटा त्रिशूल आनंद भी है। महेश की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई। साल 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। खबरों की माने तो महेश ने 5वीं शादी साल 2015 में एक रशियन लड़की लाना के साथ की थी। महेश ने फेसबुक पर लाना के साथ ही फोटो शेयर भी किया था।